Hey everyone and welcome back to my channel. In this video I will be reviewing about a perfect solution especially for dry skin people. So this is the Revolution 2% Hyaluronic Acid Serum. Well, I have reviewed a lot of hyaluronic acid serums before and this time I have come up with a new and a different brand which has quality products. Iske products bahut hi amazing hai and that is the Revolution. Well, before moving ahead, do not forget to hit that subscribe button for more upcoming amazing skincare content and review. Talking about the Revolution 2% Hyaluronic Acid Serum, this is such an amazing serum that has been discovered by Revolution because its quality is very amazing. I have given a lot of hyaluronic acids on review. I have also used it during winters because my skin type hai, that is oily skin, so I use hyaluronic acid ko specifically winters mein use karti hu, but this hyaluronic acid should be used by dry skin people always. So इसकी quality बहुत ही amazing है. I am really impressed with the results जो इसको लगाने के बाद मुझे इस winters में मिले हैं. My skin was just glowing during the dry winters. इतना amazing glow था मेरे skin पे. It was always hydrated because hyaluronic acid is known for its hydrating and moisturizing properties. तो हम अब इसके benefits के बारे में बात करते हैं कि क्या-क्या इसके benefits हैं. तब जाके ही आपको पता चलेगा कि क्यों आपको ये Revolution का हाइलोनिक एसिड सीरम परचेज करना चाहिए और यूज करना चाहिए. सो द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इट इज सूटेबल फॉर ड्राई स्किन पीपल एंड ऑल्सो फॉर नॉर्मल स्किन पीपल. और जिनकी ऑयली स्किन है यू कैन यूज दिस हाइलोनिक एसिड सीरम ड्यूरिंग विंटर्स. जिनकी भी ड्राई स्किन है मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ या फिर सजेस्ट करती हूँ दैट यू शुड स्टार्ट यूजिंग हाइलोनिक एसिड इन योर डेली स्किन केयर रूटीन बिकॉज दिस इज सच एन अमेजिंग सीरम स्पेशली ड्राई स्किन के लिए. बिकॉज आपको ड्राइनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. ड्राइनेस की वजह से डलनेस आने लगती है स्किन पे. देन दैट ड्राई फ्लेकी इची स्किन होने लगती है. सो यू हैव टू यूज़ अ प्रॉपर सीरम दैट हैज़ अमेजिंग हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ या फिर उसकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हों. सेकेंड इट विल हेल्प द ड्राई स्किन टू रिमेन हाइड्रेटेड फॉर अ लॉन्गर टाइम. वेल ये आप इसको जैसे ही अप्लाई करोगे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहेगी मॉइस्चराइज रहेगी बिकॉज दिस इज़ दी ओनली थिंग दैट द ड्राई स्किन पीपल लुक फॉर. वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी जो स्किन है वो हमेशा हाइड्रेटेड रहे. उसमें से लाइक जो मॉइस्चर है वो जल्दी लूज ना हो. सो ड्राई स्किन के लिए ये एक चैलेंज होता है टू फाइंड आउट अ गुड प्रोडक्ट जो कि उनकी स्किन को हाइड्रेशन दे दैट टू फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. सो यू शुड गेट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द रेवोल्यूशन. नाउ थर्ड वन इज इट विल हेल्प योर स्किन लुक सॉफ्ट एंड सपल. ऑब्वियसली जब आपकी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन मिल रहा है तो आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी सपल रहेगी. बहुत ही फर्म यंग लुकिंग स्किन आपको देखने को मिलेगी. एंड देन बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि डलनेस की बहुत इशू होती है ड्राई स्किन पीपल को बिकॉज उनकी जो ड्राई स्किन होती है ऑल्सो जब वो सन के एक्सपोजर में आती है टेंड्स टू गेट टैंड एज कम्पेयर टू द अदर स्किन टाइप. बिकॉज उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग उनको टैनिंग थोड़ी देर से होगी बट ड्राई स्किन को बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है. उसकी वजह से डलनेस भी आने लगती है. सो इट विल हेल्प यू रिमूव दैट डलनेस एंड टैनिंग एज वेल. सो आपको ज़रूर ये जो प्रोडक्ट है इसको यूज़ करना चाहिए. हाइलोरोनिक एसिड इसका जो मेन इन्ग्रीडियंट है तो हाइलोरोनिक एसिड इज़ ओनली नोन फॉर इट्स मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़. ये सिर्फ और सिर्फ एक गुड मॉइस्चराइजिंग सोल्यूशन है जो कि आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा मॉइस्चर देता है. काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. तो हाइलोरोनिक एसिड का यही एक अमेजिंग बेनिफिट है. ऑल्सो जब हम इसकी टेक्स्चर या कंसिस्टेंसी की बात करते हैं सो लेट मी शो यू कि इसका टेक्स्चर कैसा है. वेल इट इज़ अ वाटर बेस्ड सीरम. ये वाटर बेस्ड सीरम है. इट्स अ ट्रांसपेरेंट सीरम एज यू ऑल कैन सी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन ड्रॉप ऑफ इट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड. सो या दिस इज़ इट. ये बहुत ही वाटरी टेक्स्चर है. एज यू ऑल कैन सी इट इज़ फ्लोइंग. लाइट इन वेट है. वाटर लाइक टेक्स्चर है बट इसको अब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो आपको इसको प्रॉपरली ब्लेंड करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो अगर आपको दिख रहा होगा इसमें आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट और नॉट बट इसको अप्लाई करने के बाद इमीडिएटली एक ग्लोइंग इफेक्ट आता है आपकी स्किन पर. इट इज़ रिक्वायर्ड स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है वो हमेशा चाहेंगे कि उनकी स्किन पर एक इमीडिएटली लाइक ग्लोइंग इफेक्ट आए. सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक. ऑल्सो ये बहुत जैसे मैंने बताया लाइट इन वेट है. इसको लगाने के बाद आपको कोई हैवीनेस फील नहीं होने वाली. वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है एज यू हैव ऑलरेडी सीन कैसे इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है. थिंक अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस आपको इसको कैसे अप्लाई करना है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल शुड नो. आप इसको अपने क्लेंस्ड फेस पर अप्लाई करोगे मॉर्निंग इवनिंग दो टाइम.
जब आपने एक बार अपना फेस क्लीन कर लिया, उसके बाद आप इसके 3 to 4 ड्रॉप्स लोगे। प्रॉपरली पैट करते हुए आपको ये सीरम को लगाना है, इसको ब्लेंड करना है कम से कम 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद आप लगाओगे SPF या फिर कोई मॉइस्चराइज़र, बट आई थिंक आपको SPF या फिर एक सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट फॉर यू गाइज। So this is how you are going to apply or use this particular serum. It also says that it is a vegan, cruelty free, fragrance free serum. Yes, it does not have any kind of fragrance. Maybe iski fragrance nahi hai. It's a really really good and effective serum. I have used it. बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में आई डोंट थिंक ज़्यादा लोगों ने सुना होगा, सो आई जस्ट थॉट ऑफ कमिंग अप विद द रिव्यू ऑफ रेवोल्यूशन 2% हाइलोरोनिक एसिड सीरम। यू विल गेट दिस सीरम एट एनी ऑफ द ऑनलाइन वेबसाइट्स, और ये इतना ज़्यादा अफोर्डेबल तो नहीं है, बट ऑल्सो इट इज़ वर्थ द प्राइस। सो आपको ये नियरली अबाउट 1000 या 1100 के बीच में इसका अमाउंट है। यू कैन ईजिली गेट इट एट एनी ऑफ द ऑनलाइन वेबसाइट्स। कई बार इस पर ऑफर्स भी होते हैं, सो मेक श्योर यू ग्रैब दिस प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ऑफर टाइम। अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू रीच यू आउट सून। और अगर आप इसको यूज कर चुके हो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोइंग।